तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की अपनी वीडियो पर। बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉन्ड इन ब्रिक मेसनरी, यानी कि हमारा जो ब्रिक मेसनरी है उसमें कितने प्रकार के बॉन्ड वगैरह यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि कौन कौन से बॉन्ड की मदद से हम यहाँ पर ब्रिक मेसनरी को रेडी करते हैं। हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर हमने यह सीखा कि जो हमारा यहाँ पर वॉल है वो जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके अंदर ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स को हमें ध्यान में रख करके बनाना चाहिए ताकि हमारा जो वॉल है वो अच्छी तरह से क्रिएट हो, और ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर ऐसे कौन से टूल हैं जिनकी मदद से हम यहाँ पर वॉल को चेक कर सकते हैं, बना सकते हैं एक अच्छे डायरेक्शन में, यानी कि एक अच्छी अलाइनमेंट में। तो आप जाकर के वो वीडियो जरूर देखिए, तो आपको वो वीडियो की लिंक यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को जरूर जाकर के देखिए ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह से वॉल्स वगैरह को कंस्ट्रक्शन किया जाता है, यानी किस तरह से उसके अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो शुरू करते हैं बेसिकली आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जिस तरह से मैंने कहा बॉन्ड इन ब्रिक मेसनरी, तो इसका यहाँ पर कुछ बॉन्ड देखने को मिलता है। पहला आता है दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेचर बॉन्ड, दूसरा आता है हेडर बॉन्ड, तीसरा इंग्लिश बॉन्ड, चौथा फ्लेमिश बॉन्ड, पांचवा गार्डन वॉल बॉन्ड, और इसके बाद रैकिंग बॉन्ड, और लास्ट में देखेंगे जिगजैग बॉन्ड। रैकिंग बॉन्ड की बात करें तो इसके अंदर दो बॉन्ड ऑलरेडी और क्रिएट होते हैं जिसको कहते हैं हम यहां पर हेरिंग बोन बॉन्ड, और इसके बाद आता है दोस्तों यहां पर डायगोनल बॉन्ड। अब ये किस तरह से बनाया जाता है इन बॉन्ड को, क्या क्या यूज किया जाता है, कैसे कैसे बनाया जाता है वो समझने का ट्राई करें। स्ट्रेचर बॉन्ड हमने पहले भी डिस्कस किया था डेफिनेशन वगैरह में कि जिसके अंदर ओनली स्ट्रेचर आता हो, कहां पर उसकी फेसिंग में हमें खाली स्ट्रेचर देखने को मिले तो उस बॉन्ड को कहा जाता है स्ट्रेचर बॉन्ड। देख सकते हो इसमें जो भी यहां पर कोर्स है सब में यहां पर हमें स्ट्रेचर दिख रहा है। ये हमारा दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, सब में हमें यहां पर स्ट्रेचर ही दिख रहा है। और बात आती है इन स्ट्रेचर का सेम जॉइंट एक दूसरे के ऊपर ना आए, तो इसके लिए हम यहां पर एक हाफ बाट ब्रिक का यूज करते हैं। बेसिकली आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर मैंने इसका टॉप व्यू भी हमने ले रखा है। ये हमारा टॉप व्यू है, यानी कि ऊपर से जब हम देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये इसका यहाँ पर फ्रॉग वाला पार्ट है और यहाँ पर हमने यूज़ किया है ये हमारा हाफ बाट ब्रिक। तो इस तरह से ये कुछ रहता है। तो बेसिकली इसकी यूजफुल की बात करें तो ये वॉल कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो एज अ पार्टीशन वॉल आप इसको यूज़ कर सकते हो। पार्टीशन यानी कि आपका बाथरूम का हो गया, या फिर आप स्टेयरकेस के लिए यूज़ कर सकते हो। स्टेयरकेस के बाजू में कोई वॉल वगैरह क्रिएट करनी हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। बिकॉज ऑफ इसका क्या रहता है कि जो हायर थिकनेस वॉल है वहाँ पर ये प्रैक्टिकेबल नहीं लिया जाता, वहां पर इसका यूज नहीं किया जाता। तो क्यों? क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलती है, एज अ 10 सेंटीमीटर देख सकते हो यहाँ पर दिया है, ये 10 सेंटीमीटर ही इसका यहाँ पर थिकनेस रहता है जिसके कारण इसको यूज नहीं किया जाता। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो आगे हमारा यहाँ पर आता है हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड की बात करें तो बेसिकली इसका जो यहाँ पर फेस रहता है उसके अंदर में देखने को मिलता है ओनली फॉर हेडर, देख सकते हो सब हेडर यूज किया गया है, ये सब हेडर यूज किया गया है। अब इसका भी यहाँ पर जॉइंट ब्रेक करने के लिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर थ्री क्वार्टर बाट ब्रिक का यूज़ करते हैं। थ्री क्वार्टर बाट ब्रिक का यूज़ करने से जो इसकी यहाँ पर जॉइंट की अलाइनमेंट है वो एक दूसरे पर नहीं आती, सब अलग अलग जॉइंट यहाँ पर क्रिएट होते हैं। ये मेसनरी वर्क का एक छोटा सा रूल है, शायद मैंने नहीं बताया होगा अपनी प्रीवियस वीडियो में, बट आप समझ लीजिए जो अल्टरनेट जॉइंट्स हैं उनका अल्टरनेट जॉइंट्स हमेशा पहले का जो जॉइंट है वो तीसरे में दिखना चाहिए, तीसरे का फाइव में, फाइव का सेवन में, यानी कि एक लेयर के बाद दूसरे लेयर में नहीं दिखना चाहिए, सीधा तीसरे लेयर में आना चाहिए। देख सकते हो जो ये जॉइंट है ये इसके पैरेलल में यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इसके पैरेलल में यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इसके पैरेलल में यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ये जॉइंट कभी भी अपनी दूसरी लेयर पर नहीं क्रिएट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या रहता है जो क्रैक्स वगैरह वो डायरेक्टली यहाँ पर क्रिएट होंगे, क्योंकि जॉइंट वगैरह जब सामने पास पास में रहेंगे तो ये दीवार सीधी फटने लगेगी जब भी इसको फटना होगा, इसीलिए यहाँ पर जॉइंट एक दूसरे के ऊपर पैरेलली नहीं आते। अल्टरनेट में जॉइंट्स वगैरह जो भी हो क्रिएट होते तो चलता है, उसको हम अच्छी क्वालिटी का ब्रिक वर्क मानेंगे, यानी कि अच्छी क्वालिटी का मेसनरी वर्क कह सकते हैं। और इसका यहाँ पर देख सकते हो फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, यहाँ पर इसकी थिकनेस ज़्यादा रहती है इसीलिए इसको एज अ फाउंडेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि फुटिंग वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। दूसरी बात, इसको कर्व्ड वॉल बनाने में भी यूज़ किया जाता है। किस तरह से? मान लीजिए कुछ इस तरह से कर्व वॉल है, अब हम यहाँ पर इस ब्रिक का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस ब्रिक का हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पर अच्छे से बन रहा है। तो ये इस तरह से कुछ यूज़ किया जाता है एज अ कर्व वर्क, जहाँ पर हमें बनाना रहता है वहाँ से हम थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस आगे या फिर बाहर निकल करके अच्छी तरह से बना सकते हैं।
तो ये इस तरह से यूज होता है। अब आगे की ओर देखें दोस्तों, तो आता है हमारा यहाँ पर इंग्लिश बॉन्ड। इसमें क्या रहता है, जो हमारा कोर्स है वो हमारा यहाँ पर एक लेयर यानी कि एक कोर्स हमारा यहाँ पर स्ट्रेचर का रहता है, दूसरा कोर्स हमारा यहाँ पर हेडर का रहता है, फिर एक लेयर हमारा यहाँ पर स्ट्रेचर का रहता है, फिर एक हमारा यहाँ पर हेडर का रहता है, यानी कि अल्टरनेट ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर का कोर्स देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हो लिखा है कि अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स आर लेड। बेसिकली इसमें क्या रहता है कि अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर का यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण एक गुड स्ट्रेंथ यानी कि एक हाई क्वालिटी का ब्रिक मेसनरी यहाँ पर क्रिएट होता है। इसकी थिकनेस भी अच्छी मानी जाती है, देख सकते हो ये मैंने टॉप व्यू बनाया है। बेसिकली इसके नीचे यहाँ पर ऑलरेडी होगा, यानी कि यहाँ पर हमारा स्ट्रेचर कुछ इस तरह से क्रिएट होगा, इसके बाद इसके ऊपर ये वाला फेस लिया गया है। अगर मैं इसको अच्छी तरह से यहाँ पर एक बार बना के दिखाऊं तो पहले हमारा ये जो स्ट्रेचर वाला है किस तरह से दिखेगा, ये हमारा यहाँ पर स्ट्रेचर आएगा, ये हमारा स्ट्रेचर आएगा, ये भी हमारा स्ट्रेचर है, ये भी हमारा स्ट्रेचर है, ये भी हमारा स्ट्रेचर है, ये भी हमारा स्ट्रेचर है। अब इसके ऊपर हम क्या काम करेंगे, इस तरह से हेडर को लेंगे, ये हेडर वाला जाएगा पोर्शन, वही मैंने ये ऊपर हेडर वाला दिखाया हुआ है, ये इसका फ्रंट व्यू है। तो कुछ इस तरह से ये वॉल वगैरह क्रिएट होगी। इसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है, अच्छा स्ट्रेंथ माना जाता है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर लिखा भी है कि इट इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन ब्रिक वर्क, यानी कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रिक वर्क माना जाता है, यानी कि मेसनरी वर्क माना जाता है। अब आगे की ओर बढ़ दोस्तों, तो इसके कुछ एसेंशियल्स फीचर्स है, जैसे जिस तरह से मैंने बताया कि इसके अंदर क्या रहता है कि जो हमारा अल्टरनेट कोर्स विल बी सो आइदर स्ट्रेचर और हेडर इन एलिवेशंस, हमें यहाँ पर एलिवेशंस में देखने को मिलते हैं। वी अल्टरनेट हेडर्स इज सेंट्रली सपोर्टेड ओवर अ स्ट्रेचर, यानी कि जो हमारा स्ट्रेचर उसको अल्टरनेटली यहाँ पर क्या करता है, वो सपोर्ट देने का काम करता है हेडर। फिर इसके बाद लिखा है दोस्तों कि देयर इज नो कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट्स, इसके अंदर कोई भी वर्टिकल जॉइंट्स कंटिन्यू देखने को नहीं मिलते, बिकॉज ऑफ इसमें अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर के कारण जो इसके वर्टिकल जॉइंट्स है वो सारे यहाँ पर अलग पड़ जाते हैं। अब इसके बाद आगे की ओर देखें तो यहाँ पर फ्लेमिश बॉन्ड रहता है। इसके अंदर बेसिकली क्या रहता है कि जो हमारा यहाँ पर एक ही लेयर के अंदर में स्ट्रेचर और हेडर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के बनाया जाता है। देख सकते हो स्ट्रेचर है, हेडर है, स्ट्रेचर है, हेडर है, स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर, तो एक ही कोर्स है हमारा, बट उसके ही अंदर हम यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। इस तरह से कुछ इसको क्रिएट किया जाता है। देख सकते हो मैंने इसका यहाँ पर टॉप व्यू बनाया हुआ है, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेचर, ये हेडर, ये स्ट्रेचर, ये हेडर, ये स्ट्रेचर, ये हेडर, ये स्ट्रेचर, ये हेडर, ये स्ट्रेचर, ये हेडर, तो इस तरह से ये क्रिएट किया जाता है। तो बेसिकली इसकी अगर हम बात करें तो एवरी अल्टरनेट कोर्स स्टार्ट विद अ हेडर एट द कॉर्नर, जो भी हमारा कॉर्नर है वहाँ हमारा हमेशा स्टार्ट किससे होता है, हेडर से ही होता है। यहाँ पर एक और हेडर आएगा इस तरह से, तब इसके बाद ये स्टार्ट होता है। एवरी अल्टरनेट कोर्स, जो भी हमारा अल्टरनेट कोर्स होगा वो स्टार्ट होगा हमारा हमेशा हेडर से। और इसकी जॉइंट को यहाँ पर ब्रेक करने के लिए हम इसके अंदर क्वीन क्लोजर का भी इस्तेमाल करते हैं। क्वीन क्लोजर किस तरह से रहता है, मान लीजिए हमने ये पूरा ब्रिक ले लिया, हमने ये पूरा ब्रिक यहाँ पर ले लिया, अब इसको मैं सेंटर से कट कर देता हूँ, तो ये जो बाकी का पोर्शन बचेगा इसे कहेंगे हम क्वीन क्लोजर, तो वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे की ओर बढ़ें तो आगे आता है दोस्तों हमारा यहाँ पर गार्डन वॉल बॉन्ड। गार्डन वॉल बॉन्ड की बात करें तो बेसिकली इसके अंदर क्या काम किया जाता है कि दिस टाइप्स ऑफ बॉन्ड कंप्रेज ऑफ वन कोर्स ऑफ हेडर टू थ्री और फाइव कोर्स ऑफ स्ट्रेचर। बेसिकली इसके अंदर जो स्ट्रेचर का कंटेंट है यहाँ पर थ्री होगा, फिर यहाँ पर ये फाइव लिया है, पहले बेस से चालू करें तो यहाँ पर ये पहले तीन लेयर स्ट्रेचर का है, फिर एक लेयर हेडर का है, फिर इसके बाद फाइव लेयर स्ट्रेचर का है, तो इस तरह से कुछ ये क्रिएट किया जाता है। इसमें क्या रहता है, स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा मिलती है, लेइंग ऑफ ब्रिक ज़्यादा रहता है, इसके अंदर कंटिन्यूटी ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ब्रेक होते हैं, और एक अच्छा स्ट्रेंथ यूज़ होता है और अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर क्रिएट होती है। और ज़्यादातर इसका यूज़ गार्डन वॉल और बाउंड्री वॉल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है इसलिए। अब इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर रैकिंग बॉन्ड। रैकिंग बॉन्ड में दो टाइप आता है, पहला है दोस्तों हमारा यहाँ पर हेरिंग बोन बॉन्ड और दूसरा आता है दोस्तों हमारा यहाँ पर डायगोनल बॉन्ड। हेरिंग बोन बॉन्ड की बात करें तो ये सेंटर से यहाँ पर चेंज होता है, यानी कि एक तरह से देखें तो मिरर देखने को मिलता है। वो किस तरह से बनाया जाता है, तो बेसिकली जो इसके अंदर की ब्रिक रहती है तो वो ब्रिक्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री पर इसको रखा जाता है, देख सकते हो जो भी हमारा ब्रिक है सबको 45 डिग्री पर रखा है, और इस तरह से इसको कुछ क्रिएट किया जाता है। बेसिकली इसकी बात करें तो दिस टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज यूज्ड इन केस ऑफ वॉल हैविंग थिकनेस मोर देन 4 ब्रिक्स और फॉर द पेविंग।
बेसिकली हमें यहाँ पर मोर देन थिकनेस क्रिएट करना हो, यानी कि 4 से 5 ब्रिक जितना थिकनेस क्रिएट करना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं, या फिर इसका यूज़ यहाँ पर पेविंग में भी किया जाता है, यानी कि फुटपाथ बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद आगे की ओर देखें तो दोस्तों आता है हमारे यहाँ पर डायगोनल बॉन्ड। डायगोनल बॉन्ड की बात करें तो ये डायगोनल शेप में यहाँ पर क्रॉस में रहता है, देख सकते हो ये हमारा जो भी है वो डायगोनल में रहते हो, जो भी यहाँ पर क्रिएट किया गया वो सारा यहाँ पर डायगोनल शेप में है। और बेसिकली इसकी अगर हम बात करें तो इट इज़ यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटिंग्स ऑफ हाई वॉल्स। हाई वॉल्स हमें जब क्रिएट करना हो, फुटिंग्स में क्रिएट करना हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं बनाने के लिए, तब ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखें तो आगे आता है दोस्तों यहाँ पर जिगजैग बॉन्ड। जिगजैग बॉन्ड बेसिकली बात करें तो ये गुड ऑफ अपेरेंस यानी कि गुड ऑफ एलिवेशन के लिए क्रिएट किया जाता है। देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कि दिस बॉन्ड इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल पैनल्स इन द ब्रिक फ्लोर्स। ब्रिक फ्लोर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ऑर्नामेंटल पैनल्स यानी कि गुड ऑफ एलिवेशन के लिए दिया जाता है। देख सकते हो इमेज की मदद से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यानी कि हमें कुछ इस तरह से अट्रैक्टिव यहाँ पर वॉल्स वगैरह क्रिएट करनी हो जिसके ऊपर हमें प्लास्टर वगैरह नहीं करना हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। और बेसिकली इसको यहाँ पर देखें तो सिमिलर माना जाता है किसके, हैरिंग बोन बॉन्ड के बराबर, यानी कि जिस तरह से हैरिंग बोन बॉन्ड था हमारा उसमें हम यहाँ पर 45 डिग्री पर सेंटर से यहाँ पर अल्टरनेट में रख रहे थे जिस तरह से ब्रिक्स वगैरह को, तो सेम उसकी तरह यहाँ पर ये माना जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने समझ लिया कि हमारा ब्रिक का बॉन्ड कितने टाइप का होता है। अब हमारा जो वीडियो आएगा वो रहेगा यहाँ पर स्टोन मेसनरी के ऊपर। आई होप आज की वीडियो में आपने अच्छी तरह से समझा होगा बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, और इसके रिलेटेड में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट डाल सकते हैं, तो मैं देखूंगा उसको, समझूंगा और समझाने का ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।